हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे मार्वल और डीसी से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में, और साथ ही साथ बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा अपडेट के बारे में। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेडपूल के बॉक्स ऑफिस अपडेट से रिलेटेड अपडेट के बारे में। तो भाई देखो, इंडिया में इतने टाइम तक मूवी चलना बहुत बड़ी बात है, पर डेडपूल अब थोड़ी थोड़ी डाउन होती जा रही है, पर यूएस में या बाहर की कंट्री में डेडपूल धमाकेदार तरीके से चल रही है। और डेडपूल ने आज के दिन तक, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो 630 मिलियन कंप्लीट कर ली है आज की डेट का अपडेट है, ठीक है। और ये शायद नेक्स्ट वीक तक अपना 1 बिलियन का आंकड़ा पार कर भी लेगी, मुझे तो उम्मीद लग रही है पूरी पूरी। बाकी उसके बाद ये मूवी कितना कमाती है उसका तो कोई भरोसा नहीं है, पर अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो मैं आपको अपडेट जरूर करूंगा। उसके साथ अब बात करते हैं अपडेट 2 के बारे में। तो जैसा कि वर्ल्ड वाइड क्रॉस मूवी जब करती है तो उनकी टॉप 10 की लिस्ट बनती है, सभी को पता होगा। तो उसमें एवेंजर्स का नाम था, दी एवेंजर्स का, जो कि साल 2012 में रिलीज हुई थी। तो वो मूवी अब बाहर हो चुकी है और उसकी जगह ले ली है पिक्सर मूवी की जो अपकमिंग न्यू एनिमेटेड मूवी आई थी इनसाइड आउट 2, उसने जगह बना लिया और एवेंजर्स को बाहर कर दिया। और पर्सनली यार मैं बताऊं, मैं चाहता हूं कि टॉप 10 लिस्ट में सिर्फ मार्वल्स की मूवी होनी चाहिए और कोई मूवी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं मार्वल का डाई हार्ड फैन हूं। क्या आप ऐसा सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। चलिए बात करते हैं अब थोड़े से ओटीटी अपडेट्स के बारे में। तो सुसाइड स्क्वाड फाइनली इतने टाइम बाद नेटफ्लिक्स पे हिंदी में आ चुकी है, जाके अभी देखो इस वीकेंड। अगर आपकी ये वॉच लिस्ट में नहीं है तो भाई आप डीसी फैन नहीं हो, मेरी तो वॉच लिस्ट में है। उसके बाद दूसरी जो मूवी है हॉलीवुड की, भाई मेरी बहुत फेवरेट थी इस साल की, प्लेनेट ऑफ द एप्स, वो डिजी प्लस हॉटस्टार पे 2 अगस्त को आ चुकी है, जाके देखो। इसको भी वॉच लिस्ट में डाल लेना डिजी प्लस हॉटस्टार पर। उसके बाद थर्ड मूवी है बैटमैन की, एक सीरीज आई है जो कि एक एनिमेट सीरीज है, और इसके सारे के सारे एपिसोड हिंदी में आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएंगे, तो भाई जाके इसे भी देखो। चलिए अब बात करते हैं कुछ अलग अपडेट के बारे में। तो फाइनली मार्वल स्टूडियो ने अपनी सैंडो को कॉमिक कॉन में कुछ मूवीज को अनाउंस करा था, जो कि थी एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर। पर ये मई के महीने में 2026 में रिलीज होनी थी और मई के महीने में 2027 में रिलीज होनी थी सीक्रेट वॉर, पर इनकी रिलीजिंग डेट अभी तक कंफर्म नहीं थी। तो फाइनली इनकी रिलीजिंग डेट कंफर्म हो चुकी है, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा जो आने वाली मूवी है मार्वल की, 4 अनटाइटल्ड मूवी, उनकी भी रिलीजिंग डेट कंफर्म कर दी है। तो आपको मैं शुरू से शुरू बताता हूँ कि कौन कौन सी मूवी और कौन कौन सी रिलीजिंग डेट हमारे सामने आई है, और अपनी प्रेडिक्शन भी बताऊंगा कि एंड में मुझे क्या लगता है कि कौन कौन सी मूवी रिलीज हो सकती है इन रिलीजिंग डेट पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो मूवी है 2 मई 2025 को, वो है अपनी थंडरबोल्ट्स, जो कि एक मिनी एवेंजर के नाम से भी जानी जा रही है आजकल। उसके बाद सेकंड नंबर की जो मूवी है वो है जुलाई 25 2025 को फैंटास्टिक फोर। फिर थर्ड नंबर की 2025 की लास्ट मूवी है द ब्लेड। फाइनली कंफर्म हो चुका है कि ब्लेड 7 नवंबर को रिलीज हो रही है 2025 में। फिर अगले साल आ जाते हैं अनटाइटल है, जो कि 13 फरवरी 2026 को। तो यहाँ पर मुझे स्पाइडरमैन का सिक्वल लग रहा है नो वे होम का, तो शायद मोस्ट प्रोबेबली स्पाइडरमैन रिलीज हो चुकी है। पर यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात है कि कभी भी एमसीयू स्पाइडरमैन मूवी को अनाउंस नहीं करता है, उसकी रिलीजिंग डेट D23 में ही अनाउंस होगी। तो शायद मुझे लग रहा है कि वो जुलाई में हो सकती है, तो यहाँ पर शायद आर्मर वॉर रिलीज हो सकती है। उसके बाद मई 1, 2026 को एवेंजर्स डूम डे। फिर जुलाई में शायद मुझे स्पाइडरमैन लग रही, पर वो उसमें मेंशन नहीं है, पर मुझे जुलाई में स्पाइडरमैन ही लग रही है। फिर नवंबर 6, 2026 को अनटाइटल्ड मार्वल मूवी है, अब कौन सी रिलीज होगी, शायद मुझे लगता है शैंग्ची 2 रिलीज हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं अगले साल की मूवी, जो कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर, जो कि 7 मई 2027 को रिलीज होगी, और इसकी रिलीजिंग डेट फाइनली कंफर्म हो चुकी है। उसके बाद सीक्रेट वॉर, जैसा कि आप सब जानते हो कि ये मल्टीवर्स सागा का एंड होगा, और इसके बाद 2 मूवी और हैं, तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं कि कौन कौन सी शायद मूवी रिलीज हो सकती हैं। तो पहली जो मूवी है 23 जुलाई 2027 को, जो कि अनटाइटल है, और मुझे लगता है कि शायद एक्समैन रिलीज हो सकती है। फिर उसके बाद 5 नवंबर 2027 को मोस्ट प्रोबेबली शायद थॉर 5 हो सकती है। बाकी आपको क्या लगता है इन 4 अनटाइटल मूवी की जगह कौन कौन सी मूवी रिलीज होती है, मुझे अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी अब बात करते हैं एक बेहतरीन कमाल के अपडेट के बारे में। तो फाइनली वेनम का फाइनल ट्रेलर मिड सितंबर और अगस्त के बीच में होने वाला है। जी हाँ, ऑफिशियल कन्फर्म हो चुका है, और जैसे कोई अपडेट आएगा टाइमिंग का और रिलीजिंग डेट का, एक कब रिलीज होगा ये ट्रेलर वेनम का लास्ट, तो मैं आपको तुरंत सबसे पहले इसी तरीके से अपडेट दे दूंगा। तो चैनल को, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो बस जाते जाते ये कहना चाहूंगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, जा रहा हूं।